कोयटा के करीबी इलाके कचलाक में रिहायशियों की तरफ से वापडा के एसडीओ के खिलाफ इत्तेजाज किया गया। लोगों का कहना था कि हम बिजली के बिल अदा वक्त पर करते हैं, लेकिन हमें बिजली मुयस्सर नहीं है। यहाँ पे पानी की भी शदीद किल्लत है। सिर्फ एक बिजली के फीडर पर लोड शेडिंग का मसला है। यहाँ के सरकारी अफसरों को ये नहीं पता कि उन्होंने काम कैसे करना है। लोगों के पास पानी तक नहीं है। पूरी आबादी का दारोमदार ज़राअत पर है। ना हमारे पास फैक्ट्रियां हैं, ना ही कमाई का दूसरा जरिया। कमेटी ने एसडीओ के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें की, लेकिन वो वजीर और ना अहल हैं। इनका मौकफ है कि लोग वाजिबात की अदायगी नहीं करते। इस्तेजाज करने वालों का क्या कहना था, आइए जानते हैं। आज जो है हम लोगों ने जो स्टे किया था, वो सारे इलाके वाले ने जो हम लोगों के साथ स्ट्राइक में शरीक है, हम लोग स्ट्राइक वाले में से हम लोग माजरत चाहते हैं, लेकिन इसमें मेल फीमेल सारे इकट्ठा खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के इलाके में जो है इलाके के वो जो रोजगार है नहीं, फैक्ट्री है नहीं, हम लोग सारे जरात पे जराती लोग है। लेकिन दूसरी बात यह है, हम लोगों की वापडे वाले को बिल भी देते हैं, फिर उसके बावजूद हम लोगों को बिजली नहीं देते हैं। हम लोगों की जरा तबाह हो गई है। जो जब सीजन जब फसल हो जाएंगे, उस फिर जो है मार्केट नहीं मिलती है, मार्केट के बिजली के होने की वजह से हम लोगों की फसलें तबाह हो गई है। जब हम लोग बिल देते हैं, बिल और लीगल, ये जो है लीगल और इलीगल की बात कर रहा है, इलीगल जो है सारी बलूचिस्तान का मसला है, सिर्फ एक मुजीब फीडर का नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है हम लोगों को बिल भी देते हैं, बिजली भी नहीं देते हैं। हम लोगों हुकाम बाला से दरख्वास्त करते हैं, लेकिन हम लोगों की इस पर थोड़ा प्रेशर करके हम लोगों की अपने को बिजली